So, hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में, कभी इनकी ऑनलाइन लव स्टोरी ऑफलाइन लव स्टोरी में शायद चेंज हो रही थी, क्योंकि इन लोग की फर्स्ट मीटिंग हो जाती है और सिर्फ फर्स्ट मीटिंग नहीं, फर्स्ट हग भी हो जाता है। फिर भी बहुत रो रही थी, जिसे शांत करवाने के लिए अदिति अपने सीने से लगा लेती है। अदिति पूरी को बती, बस 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 क्यों इतना रो रही हो? मैंने बोला ना पूर्वी, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ और मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर पूर्वी अभी भी रो रही थी। अदिति पूर्वी को अपने सीने से लगाए, उसके बालों को सहला दिया। पूर्वी की सांसें एकदम अटकने लगी है, पूर्वी का रोना भी बंद हो गया था। पूर्वी की आँखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जिस तरह अदिति उसे संभाल रही थी, पूर्वी ने कभी नहीं सोचा था। तभी अदिति पूर्वी को बती, पूर्वी आप ठीक हो? पूर्वी बोती और अदिति पूर्वी को कस के जकड़ लेती है, जिस पे पूर्वी भी अपनी आंखें बंद करके अदिति को बहुत टाइट हग कर लेती है। ये दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को हग करके बैठते हैं। फिर अदिति थोड़ा सा पीछे होती है, पूर्वी के आंसुओं को अपने ही हाथों से पोंछती है और कहती है, आपको पता है आप मुझसे कितना बड़ी हो, फिर भी मुझसे भी ज़्यादा छोटी बच्ची बन जाती हो, कैसे बच्चों की तरह रो रहे हो? पूर्वी बोती, अब फिर से अपने आप को तकलीफ नहीं पहुँचाओगी, वादा करो। अदिति बोती, आप भी वादा करो, आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। पूर्वी बोती, मैंने जो भी किया उसके बाद भी तुम्हें मेरे से दोस्ती रखनी है, मुझे तो लगा था तुम मुझे हेट करोगी। अदिति मुस्कुराती है और कहती है, मैं मेरे मिस्टर पी को हेट कर सकती हूँ क्या कभी? पूर्वी बोती, मिस्टर पी नहीं, इट्स पूर्वी। अदिति बोती, हाँ मेरे लिए मिस्टर पी और पूर्वी एक ही तो है। पूर्वी बोती, सच में गुस्सा नहीं हुआ मुझसे? अदिति बोती, आपका प्यारा सा फेस देख के ना गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सच कहूँ, पहले बहुत गुस्सा आया था पर फिर रियलाइज़ हुआ कि आपके बिना रह नहीं सकती। पूर्वी बोती, क्यों क्यों नहीं रह सकती? अदिति मुस्कुराते हुए पूर्वी के फेस को टच करती है, कहती, सब अभी जाना है आपको। पूर्वी बोती, आपको सोना नहीं है? अदिति बोती, नींद नहीं आ रही। पूर्वी बोती, आपको सो जाना चाहिए, आपकी तबीयत ख़राब है ना, आपको रेस्ट की जरूरत है, डॉक्टर ने भी तो रेस्ट करने को बोला था, चलो अब लेट जाओ। पूर्वी इतना बोल के अदिति को बेड पे लेटा देती है। अदिति लेटी हुई बस पूर्वी को देख रही थी, पूर्वी अपने बालों को यू साइड करती है। अदिति अपना हाथ पूर्वी के बालों के करीब लेके जाती है, उसके बाद फिर से थोड़ा सा यूँ आगे करती है। पूर्वी बोती, मैंने अभी पीछे खेलते हैं। अदिति बोती, तो मैंने आगे कर दिया, वैसे थोड़े से बाल आगे रहते हैं ना तो और भी क्यूट लगती हो। पूर्वी बोती, अदिति इनफ। पूर्वी अपने बाल फिर से पीछे करती है, अदिति थोड़ा मुस्कुराने लगती है। अदिति फिर कहती है, क्या पूरी रात ऐसे ही बैठे रहोगे, ले जाओ। पूर्वी बोती, हाँ मैं वही देख रही थी, मैं कहाँ सोऊंगी? अदिति बोती, इतना बड़ा बेड आपको दिख नहीं रहा? वैसे मुझे नहीं लगता कि आप इतनी मोटी हैं कि आप इस बेड पे पूरी ना सको। पूर्वी बोती, अदिति प्लीज़, पर या तो आप सोओगे ना? तो अदिति बोती, क्या मैं आपको इतनी मोटी लगती हूँ कि मैं आपके लिए जगह नहीं छोड़ूंगी? कम ऑन, इतना बड़ा बेड है, हम दोनों साथ सो सकते हैं। पूर्वी कहती, साथ? अदिति बोती, कॉल पे पहले भी तो साथ ही सोते थे। पूर्वी बोती, हाँ पर कॉल पे साथ सोने में और इस तरह बहुत फ़र्क नहीं हो जाएगा, आई मीन। अदिति बोती, इतना सोचोगी तो बिल्कुल नहीं सो पाओगी, चुपचाप सो जाओ ना। फिर पूर्वी भी थोड़ा कुछ सोचती है, फिर बेड पे लेट जाती है, पर वो अदिति से थोड़ा सा दूर होके लेटी थी। तभी अदिति मुस्कुराते हुए खुद ही पूर्वी के थोड़े करीब आ जाती है। पूर्वी बोती, क्या हुआ? अदिति बोती, हग कर सकती हो क्या प्लीज़? पूर्वी बोती, हाँ। पूर्वी अपने बाएँ फैलाती है, अदिति पूर्वी के शोल्डर पर आ जाती है। पूर्वी ने अदिति को अपनी बाहों में भर रखा था और ये चीज़ अदिति को काफ़ी अच्छी लगती है। अदिति की आंखें तो बस पूर्वी के चेहरे पर ही थी। पूर्वी कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो? अदिति कहती, कुछ नहीं। अदिति अपनी आँखें बंद कर लेती है और यहाँ पूर्वी भी अपनी आँखें बंद कर चुकी थी। अदिति को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए अदिति फिर से आंखें खोलती है। पूर्वी, मुझे नींद नहीं आ रही। पूर्वी अदिति के बालों को सहलाती हुई थी, सो जाओ ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। अदिति मुस्कुराती आई थी, अच्छा ठीक है फिर आप सो जाओ। तभी पूर्वी आंखें खोलती हुई थी, वो आपको सोना क्यों नहीं है? अदिति बोलती, पता नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। पूर्वी बोलती, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही आपको करीब कर रखा है, आपको सांस नहीं आ रही होगी ना, मैं दूर हो जाती हूँ। पूर्वी हिलने लगती है पर अदिति उसे होल्ड करती है, नहीं नहीं मुझे ऐसे ही रहना है। और किसने बोला मुझे सांस नहीं आ रही? मुझे बहुत अच्छे से सांस आ रही है।
पूर्ववती आर यू श्योर? अदिति बोती श्योर श्योर, मुझे नींद भी आ रही है, गुड नाइट। अदिति आंखें बंद कर देती है, पूर्वी भी थोड़ा मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। यहाँ पूर्वी थोड़ी ही देर में सो गई थी। अदिति मुस्कुराते हुए फिर से आंखें खोलती है, बस पूर्वी को देखने लगती है। पूर्वी सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है, अदिति के मुँह से ये लफ्ज़ निकल जाता है। फिर अदिति थोड़ा मुस्कुराते हुए पूर्वी के फेस को टच कर दिया। अदिति ने बहुत बार इमेजिन किया था कि उसकी पूर्वी यानी उसका मिस्टर भी कैसे दिखता होगा। जैसे सोचा था वैसे तो नहीं, पर जो नहीं सोचते ना वो ज़्यादा अच्छा होता है, राइट? तो अदिति को भी ऐसे लगता है कि शायद जितना अच्छा मैंने सोचा नहीं, पूर्वी उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी है। यहाँ अदिति पूर्वी के फेस को टच करती है, उसके आईब्रोज, उसकी वो प्यारी सी आईज, नोज शेप। पर अदिति जैसे लिप्स को टच करती है तो अदिति की दिल की धड़कने खुद ही बढ़ जाती है। अदिति तुरंत अपना हाथ हटा लेती है और फिर मुस्कुराते हुए एक बार फिर से पूर्वी को हक कर लेती है। आज की रात अदिति की काफ़ी अच्छी बीती है, शायद इतने सुकून की नींद उसे बहुत टाइम से नहीं आई थी। अदिति बहुत आराम से सोई होती है, पर पूर्वी जग जाती है क्योंकि सुबह के 8 बज चुके थे। पूर्वी अदिति को देखती है जो कि अभी भी सो रही है। पूर्वी थोड़ा मुस्कुरा के अदिति के बालों को साइड करती है। अदिति सोते हुए काफ़ी क्यूट लग रही है, पूर्वी मुस्कुरा के ये बोलती है। और फिर पूर्वी अदिति के फोरहेड पे किस करती है, कहती है आई एम सॉरी आपको इतना ज़्यादा परेशान करने के लिए। पूर्वी थोड़ा हिलने की कोशिश करती है पर अदिति उसे और टाइट हग करती है। पूर्वी बोलती है अदिति मुझे मुझे फ्रेश होने जाना है। अदिति बोलती अदिति थोड़ी थोड़ी नींद से जग रही थी इसलिए अदिति अब थोड़े से साइड हो जाती है। और यहाँ पूर्वी फ्रेश होने चली जाती है। पूर्वी फ्रेश होकर बाहर आती है तो उसकी नज़र अदिति पर पड़ती है। अदिति यूँ खुद में खुद को समा के लेटी हुई थी, बहुत यूँ खुद को समेट के लेटी हुई थी। तभी पूर्वी फिर से आके लेटती है। अदिति को जैसे ही फील होता है पूर्वी बेड पे आ गए तो वो फिर से पूर्वी के चेस्ट पे अपना सर रखती है। पूर्वी की आंखें एकदम बड़ी हो जाती है। पूर्वी बोलती अदिति, पर अदिति की आंखें बंद थी। पूर्वी कहती अदिति अदिति थोड़ा साइड हो जाओ ना, पर अदिति की आंखें बंद थी। अदिति ने पूर्वी के चेस्ट पे अपना सर रखा हुआ था और अदिति का एक हाथ पूर्वी के टमे पर था। पूर्वी के सांसें बढ़ती जा रही थी। पूर्वी एक नज़र अदिति को देखती तो थोड़ा सर उठा के फिर अपने टमे की तरफ देखती जहाँ अदिति ने अपना हाथ रखा हुआ था। पूर्वी की दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी कि अदिति भी उसे महसूस कर पा रही थी। अदिति थोड़ा मुस्कुराते हुए सर को थोड़ा सा ऊपर उठाती और पूर्वी को देखे कहती गुड मॉर्निंग। पूर्वी बोलती हाँ गुड गुड मॉर्निंग, अब जग गई हो तो पीछे हटो। अदिति बोलती क्यों फिर से फ्रेश होने जाना है ना, अभी फ्रेश होके आई थी आप। पूर्वी बोलती नहीं फ्रेश फ्रेश होने नहीं जाना, तुम तो प्लीज़ थोड़ा पीछे हटो ना। अदिति बोलती मुझे थोड़ा और आराम करना है, आप ही बोल रही थी ना मुझे आराम करना चाहिए। तो अदिति बोलती करना तो ना आराम। पूर्वी बोलती मैंने कब रोका, पर मेरे ऊपर से तो हटो। अदिति बोलती मुझे यहीं आराम आ रहा है तो मैं यहीं लेटूंगी। पूर्वी थोड़े हंसते हुए कहती अदिति तुम बहुत शैतान हो। अदिति बोलती पता है। अदिति फिर से अपनी आंखों को बंद कर देती है। थोड़ी ही देर में दरवाजे पे नोक नोक होता है। अदिति घबरा के खुद ही पूर्वी से दूर होकर उठ के बैठ जाती है। पूर्वी भी उठ के बैठती है। पूर्वी इधर उधर देखती है, उसके पास कुछ भी नहीं था खुद को कवर करने के लिए। लाइक पूर्वी को लग रहा था कि शायद अदिति के पेरेंट्स में से कोई आया होगा तो उसे लग रहा था दुपट्टा वुपट्टा पहन लेना चाहिए, संस्कारी बेटी बन जाना चाहिए, पर उसे कोई दुपट्टा वुपट्टा नहीं दिख रहा था। तभी अदिति बोलती है वो कबड़ में होगा। पूर्वी बोलती है ओके। पूर्वी तुरंत कबड़ खोलती है, अदिति के सारे कपड़े नीचे गिर जाते। पूर्वी एक नज़र अदिति पर देखती है। अदिति बोलती मैंने नहीं गिराए, ये आपने गिराया है। पूर्वी बोलती हाँ अरे यू सीरियस। अदिति बोलती हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने गिराया, मैंने नहीं गिराया। तभी दरवाज़ा खुलता है और अदिति का भाई अंदर आ जाता है। पूर्वी उन कपड़ों में से जल्दी से एक दुपट्टा ढूंढ के अपने सर पे कर लेती है, खुद को कवर कर लेती है। तभी अदिति का भाई तुरंत अंदर आता है, कहता है कैसा है मेरा बच्चा अब हाँ, और अदिति का फीवर वगैरह चेक करता है, उसे थोड़ा प्यार करता है। अदिति अपने भाई के शोल्डर पे उसे रख देती हूँ बहुत बढ़िया हूँ। उसका भाई बोलते हम और जो हम सब की जान निकाल रखी थी उसका क्या। अदिति बोलती भाई ये देखो कान पकड़ के सो रही, प्लीज़ अब मत सुनाना, हम सब सुना ही रहे हैं कब से मुझे। उसके भाई बोलते तो ऐसी हरकत करोगी तो सब सुनाएंगे ना। तभी यहाँ अदिति का दूसरा भाई भी आ जाता है। अदिति बोलती आपको फुर्सत मिल गई मेरा हाल जानने की। हाँ उसका भाई बोलता मुझे तेरे से बात नहीं करनी। अदिति बोलती भाई अब आप मत शुरू हो जाओ। तो वो अदिति के पास आके बैठता है, कहते क्यों किया ऐसा।
क्या हम तुझे प्यार देने में कोई कमी छोड़ रहे हैं? हम दोनों भाई तो तुझ पे जान देते हैं, और मम्मा पापा को तो अलग ही चलता रहता है, उसे तो तेरे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है उन्हें। वो तो हम ये भी भूल जाते हैं कि उनके इस घर में ना दो लड़के भी रहते हैं। अदिति वो तो अच्छा ठीक है ना भाई, प्लीज़ मत सुनो, देखो मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो ऐसे हालत में सुनाते नहीं है। अदिति सबकी लाडली सबसे लाड ले रही थी। अदिति के दोनों भाई उसे हक किए, उसे प्यार कर रहे थे। तभी वहाँ दीदी के मम्मा पापा भी आ जाते हैं। वो भी अदिति से बात करते हैं, उसका हाल चाल जानते हैं, उसे थोड़ा प्यार करते हैं। तभी अदिति की नज़र पूर्वी पे जाती है, अदिति की मम्मा की नज़र सॉरी। पूर्वी कबड़ में कपड़े लपेट कर रख रही थी। तभी कहती, अरे बेटा तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम छोड़ो ये। तो अदिति की नज़र भी अपनी मम्मा और पूर्वी पे जाती है। अदिति बोलती, पूर्वी आप प्लीज़ ये सब मत करो। पूर्वी बोलती, आपने कबड़ का क्या हाल कर रखा है, एक कपड़ा भी जगह पे नहीं है। जिस पे अदिति की माँ भी बोलती, ये तो ऐसे ही है, और वैसे भी इसे तो पता ही नहीं होता इसके कपड़े कहाँ रखे होते, सब मुझे ही समेट के रखना पड़ता है। कभी खुद कोई ड्रेस ढूंढने लगे ना तो ऐसे कबड़ का हाल कर देती है। तो वो पूर्वी को बिठाते, नहीं बेटा तुम ना करो, और खुद सारे कपड़े सेट करने लगते हैं। यहाँ अदिति अपने भाइयों से पापा से प्यार ले रही थी। थोड़ी देर में उसके भाई मम्मा पापा सब वहाँ से चले जाते हैं। पूर्वी एकदम अदिति के पास आके बैठती है, कहती ये क्या हरकत थी। अदिति बोलती, अब क्या किया मैंने। पूर्वी बोलती, कबड़ कैसा शेर कौन करता है। अदिति बोलती, वहाँ बहुत सुनाती हैं, आप मत सुनाओ अब। पूर्वी बोलती, तो सुनाना ही चाहिए उन्हें, हरकत कैसे करते हो, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो किसी सामान का भी, हर चीज़ यहीं इधर उधर पड़ी रहती है। अदिति बोलती, अच्छा ना। पूर्वी बोलती, क्या अच्छा ना, इस उम्र में भी मम्मा को परेशान कर देती हूँ, खुद का काम खुद नहीं कर सकती। अदिति बोलती, मेरे पास टाइम ही कहाँ होता है कबर समेटने का, पता है कितना पढ़ना पड़ता है मुझे, और फिर आपको भी तो टाइम देना पड़ता है। पूर्वी बोलती, मैंने आपसे टाइम मांगा नहीं ना, मत दिया करो, पर अपना काम किया करो। अदिति बोलती, आपको वैसे भी क्या ही पड़ी मेरी, मैं बात करूँ ना करूँ आपको थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। जिस पे पूर्वी एकदम से अदिति का कॉलर पकड़ के सबने करीब कर दिया। कहती, मैंने कब बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अदिति बोलती, मैं सब जानती हूँ, मैं बात नहीं कर रही थी तो आपको तो मेरी परवाह ही नहीं थी। पूर्वी बोलती, देखो अदिति गलत बात मत करो। अदिति बोलती, मैं कौन सा गलत बात कर रही हूँ, सच्ची तो बता रही हूँ। पूर्वी बोलती, अगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना तो अपना घर बाहर छोड़ के अपनी माँ को वहाँ अकेले छोड़ के यहाँ नहीं पड़ी होती आपकी खिदमत करने के चक्कर में। आई बड़ी फ़र्क नहीं पड़ता। तभी अदिति बोलती, अच्छा कॉलर तो छोड़ो ना। तो पूर्वी अदिति का कॉलर छोड़ते फिर खुद सेट करते हो, कहती अच्छी बच्ची बन के रहा करो, माँ को इतना परेशान नहीं करते होते। अदिति बोलती, अच्छा ठीक है। पूर्वी बोलती, तुम अब ठीक हो गई हो तो मैं सोच रहा हूँ मैं घर चले जाऊँ, माँ भी घर में अकेली है ना, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। अदिति बोलती, घर क्यों जाना है। पूर्वी बोलती, अभी तो बोला माँ अकेली है। अदिति कहती है, हाँ तो माँ को यहाँ बुला लेते हैं ना। पूर्वी बोलती, बैड आइडिया, मुझे जाना ही होगा। पूर्वी इतना बोल के अपनी माँ को कॉल करती है। उसकी माँ भी उससे कहती है, बेटा अब तू घर आ जाओ। पूर्वी बोलती है, हाँ माँ मैं घर आ जाऊँगी आज ही। तभी अदिति फ़ोन लेती है, कहती है, आंटी मेरी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ पूर्वी को कुछ दिन और यहाँ रहने दो ना। जिस पर कहती, बेटा इसके ऑफिस से भी बार बार फ़ोन आ रहा है, और पूर्वी तो फ़ोन नहीं उठा रही ऑफिस में से किसी का भी, और मैं भी घर पर अकेली हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, तुम्हारे पास तो वहाँ सब है पर मेरे ख्याल रखने के लिए तो सिर्फ पूर्वी ही है ना। पूर्वी कहती है, हाँ माँ मैं आज आ जाऊँगी। अदिति बोलती, ठीक है आंटी पूर्वी कल आ जाएंगी, पक्का पक्का कल आ जाएंगी। अदिति तो बोल के कॉल कट कर देती है। पूर्वी बोलती, क्या बात हुई, मुझे यहाँ जाना था। अदिति बोलती, एक दिन मेरे साथ नहीं बिता सकते, पहले तो मैं बीमार थी ना, अब के रुकने का क्या फ़ायदा, मैं तो अब ठीक हुई हूँ, अब हम बात ही करेंगे ना। पूर्वी बोलती, अच्छा ठीक है बैठी हूँ करो बातें। अदिति बोलती, क्या बातें करूँ, हम ऑनलाइन ही सारी बातें कर चुके, अब कोई बात ही नहीं है करने को। पूर्वी हंस पड़ती है। अदिति बोलती, अच्छा अपना फेवरेट कलर बताओ। पूर्वी बोलती, आपको ऑलरेडी पता है। अदिति बोलती, और क्या पूछूँ, सब तो हमें एक दूसरे के बारे में जानते हैं। पूर्वी बोलती, तो फिर मैं घर चले जाती हूँ। पूर्वी जाने लगती है। अदिति बोलती, अब आप मुझे छोड़ के जाओगे। पूर्वी बोलती, हे भगवान कैसी लड़की है, इमोशनल ब्लैकमेल लड़ गई की, बातें ही नहीं है तो क्या बात करेंगे। अदिति बोलती, तो यहाँ रह के मेरा ख्याल नहीं रख सकती, पता है ना मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने बोला था मुझे ख्याल की जरूरत है अभी, तो ध्यान रखो मेरा। पूर्वी बोलती, अच्छा ठीक है। तभी वहाँ अदिति की मोम आ जाती है, जो हाथ में खाना लिए आई थी। वो यहाँ पूर्वी और अदिति का दोनों का साथ में खाना लेके आती है। अदिति बोलती, थैंक यू माँ, और फिर उसकी मम्मा वहाँ से चली जाती है क्योंकि उन्हें कुछ काम था। अदिति बोलती, लाओ मुझे खाना खिलाओ। पूर्वी बोलती, क्यों मैं क्यों खिलाऊँ, खुद नहीं खा सकती। अदिति अपने हाथ की तरफ देखती है। पूर्वी बोलती, अच्छा ठीक है मैं खिला देती हूँ। पूर्वी अदिति को अपने हाथ से खाना खिलाती है। एक बात कहूँ, अदिति का सीधा हाथ बिल्कुल ठीक था, वो बस ड्रामा कर रही थी क्योंकि उसे पूर्वी के हाथ से खाना था। यहाँ पूर्वी अदिति को अपने हाथों से खाना खिला दिया। जब वो खाना खिला रहे थे तो अदिति ना पूर्वी के फिंगर पे बाइट कर लेती है। पूर्वी बोलती, आउच जंगली बिल्ली, खाना खाओ मेरी फिंगर क्यों खा रही हो। हाँ अदिति बोलती, ही क्योंकि अभी आपने बोला मैं जंगली बिल्ली हूँ। हाँ वैसे आपकी फिंगर्स में जो मज़ा है ना खाने में नहीं है। अदिति के पास उनकी पूर्वी बोलती, अच्छा आंटी को बताती हूँ खाना बिल्कुल
टेस्टी नहीं है, फिर वो आपकी क्लास लेंगी। अदिति बोलती, अरे नहीं 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 माँ को मत बोला, सच में डांट पड़ जाएगी, मैं तो मस्ती कर रही थी। फिर वो बोलते, अब चुपचाप खाओ, अब बाइट किया ना तो मैं खिलाऊंगी नहीं। अदिति अदिति ओके ओके अब नहीं करूँगी। तो अब अदिति मज़े से खाने लगते हैं, पूर्वी अदिति को खाना खिलाते हुए साथ खुद भी खा रही थी। तभी यहाँ पूर्वी देखते हैं कि अदिति को बहुत तेज खांसी हो रही है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी खा रही थी ताकि अदिति को ढंग से खिला पाए। अदिति तुरंत अपने हाथ में पानी का गिलास भरती है और वो अदिति पूर्वी की तरफ करती है। पूर्वी जब गिलास लेने लगती है तो वो देखते हैं कि अदिति के जिस हाथ पे चोट लगी उसने उसी हाथ में पकड़ रखा है, मतलब उसके हाथ में ज़्यादा पेन भी नहीं था, वो सिर्फ ड्रामा कर रहे थे। पूर्वी यहाँ पानी लेती है और फिर पूर्वी कहती है, अदिति वैसे एक बात तो बताओ। अदिति बोलती, बोलो। पूर्वी बोलती, आपके राइट हैंड पे लगी है ना। जिस पर अदिति बोलती, अरे नहीं मेरे तो लेफ्ट पे लगी है, देखो ना। पूर्वी बोलती, एग्जैक्टली, तो फिर खाना क्यों नहीं खाया, जहाँ तक मुझे याद है आप लेफ्ट हैंडेड तो बिल्कुल नहीं हो। अदिति बोलती, वो आप रुके हो यहाँ पे मेरी खिदमत करने के लिए, तो आपसे कराऊंगी ना, अपने हाथ से क्यों कहूँ। पूर्वी हंसती है, कहती तुम सच में बहुत शैतान हो, बहुत बिगड़ी हुई हो। अदिति बोलती, क्या है, एक दिन हो खिदमत नहीं कर सकती मेरी। पूर्वी बोलती, मैंने कब मना किया, कर तो रही हूँ। अदिति बोलती, तो खिलाओ ना। पूर्वी बोलती, अच्छा बाबा ठीक है खिला लो। पूर्वी यहाँ अदिति को खिलाते हैं, खाना हो जाता है। तो पूर्वी कहती है, यहीं बैठो मैं काम करती हूँ, बर्तन रख के आती हूँ। अदिति मना करती है, यहीं रख लो, थोड़ी देर में मेड आएगी वो उठा के ले जाएगी। पर पूर्वी बोलती, अरे अच्छा नहीं लगता ना बर्तन रख के, कोई बात नहीं मैं किचन में रख के आती हूँ। अब पूर्वी नीचे आ तो जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है, ऐसे लग रहा था घर में कोई इंसान तो क्या जानवर भी नहीं है, इतना सन्नाटा। पूर्वी किचन की तरफ जाने लगती है, वो जैसे ही किचन में पहुंचती है बर्तन रखती है, तभी वहाँ अदिति का बड़ा भाई आ जाता है। वो कहता है, पूर्वी तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती, ये खाने के बर्तन रखने आए थे। तो बोलते, तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें बस अदिति के लिए ख्याल रखना चाहिए, तुम्हारी फ्रेंड है ना, बस उसी के पास बैठो, बाकी सब हो जाएगा। पूर्वी जाने लगती है, तभी अदिति का भाई बोलता है, पूर्वी एक सेकंड मुझे कुछ बात करनी थी। अब पूर्वी घबरा उठती है कि कहीं ये भी उससे यही ना पूछ ले कि इन लोगों की दोस्ती कैसे हुई थी। पर यहाँ अदिति का भाई पूर्वी को बोलता है कि अदिति बहुत मासूम है और बहुत शैतान भी, अगर वो अपनी शैतानी से कभी तुम्हें परेशान कर दे तो बुरा मत मानना। वैसे तुम रहती कहाँ हो। और यहाँ पूर्वी बता देती है, वो कहते, इतना दूर तो तुम यहाँ से उसके लिए आई हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि अदिति की तबीयत ख़राब है। जिस पे पूर्वी एकदम चुप हो जाती है, पूर्वी को तो कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहाँ अदिति आ जाती है, कहती है, क्या भाई आप मेरी फ्रेंड को अकेले समझ के इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। जिस पे उसका भाई बता, अदिति तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। अदिति बोलती, बस रेस्ट कर करके थका गई थी तो घूमने आ गई, पर मुझे लगता है आप इन्वेस्टिगेट कर करके अभी थके नहीं हैं। जिस पर उसका भाई बता, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, बस पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये बात तो किसी को भी नहीं पता थी कि तुमने अपने साथ क्या किया है, इसे कैसे पता चले ये एग्जैक्टली उसी टाइम पे कैसे पहुँची और इसने कॉल भी की। अब यहाँ अदिति बोलती है, अब क्योंकि जब मैं अपने साथ वो सब कर रही थी तभी सडनली इसके कॉल आ गए थे, और कट करने के बजाय मुझसे वीडियो कॉल एक्सेप्ट हो गई थी, तो इसने देख लिया था मेरी हालत। जिस पर उसका भाई बोलता है, लेकिन ये तो शहर में रहते ही नहीं है, तो तुम लोग मिले कैसे, दोस्ती कहाँ से हुई। अदिति बोलती, भाई आपकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, प्लीज़ आई एम टायर्ड। उसका भाई बोलता है, तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा, मैं कब से देख रहा हूँ तुम दोनों सिर्फ टाल रहे हो, तुम दोनों काफ़ी अलग अलग शहर से आए हो, अलग अलग प्रोफेशन है, तो दोस्ती कैसे हुई। जिस पे अब अदिति गहरी सांस लेती हुई थी, भाई प्लीज़ क्या दोस्त भी बनाना गलत है क्या, हमें दोस्त बनाना कोई जुर्म थोड़ी है, जरूरी थोड़ी प्रोफेशनल सेम होना चाहिए या आप लोग की सिटी सेम होनी चाहिए। जिस पर उसका भाई बता, ऑनलाइन दोस्ती। जिस पे तुरंत ही पूर्वी बोलती है, नहीं नहीं ऑफलाइन दोस्ती, मैं यहाँ आई थी तब हम मिले थे और हमारी दोस्ती हुई थी। जिस पे अदिति पूर्वी को देखते है, उसे समझ में नहीं आता पूर्वी ने झूठ क्यों बोला। अदिति बोलती, सुन लिया भाई, अब प्लीज़ क्या आप अपनी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करेंगे, और पूर्वी तुम चलो मेरे साथ। अदिति पूर्वी का हाथ पकड़ के उसे ऊपर रूम में लेके आने लगती है। पूर्वी अदिति के हाथ को देखती है और मुस्कुराते हुए रूम में आ जाती है। अदिति बोलती, क्या चल रहा था वहाँ पे। पूर्वी बोलती, थैंक गॉड आप आ गई थी, बचा लिया मुझे, मैं तो बस बर्तन रखने लगी थी, पता नहीं कैसे आपके भाई आ गए और इतने सारे सवाल कर रहे थे, डर गई थी मैं। अदिति बोलती, झूठ क्यों बोला, हम तो मिले ही नहीं, हमारी दोस्ती ऑनलाइन हुई थी, राइट। पूर्वी बोलती, देखो अदिति तुम्हारे भाई तुम पे बहुत विश्वास करते हैं, मैं नहीं चाहती वो तुम पे थोड़ा भी डाउट करें।
अदिति बोलती है, ऑनलाइन फ्रेंडशिप करना कोई गलत बात थोड़ी है। पर वे बोलती, देखो इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अच्छे भी हैं पर बुरे भी हैं, तो हो सकता है ना आपके भाई आप पे नज़र रखने लगे कि कहीं आप किसी और से दोस्ती ना कर लो जो शायद बुरा इंसान हो। अदिति बोलती, वैसे सोच रही हूँ एक अच्छी सी ऑनलाइन दोस्त बना लूँ, क्योंकि आप तो कल चली जाओगी ना। पूर्वी अदिति का कॉलर पकड़ के थी, सोचना भी मत चाँ ले लूँगी। अदिति बोलती, क्यों नहीं बना सकती मैं, ऐसा भी क्या है, दोस्त बनाने को ही तो कह रही हूँ, कौन सा बॉयफ्रेंड बनाने जा रही हूँ। पूर्वी बोलती, मैंने बोला ना सब अच्छे नहीं होते ऑनलाइन में। अदिति बोलती, आप भी तो अच्छी मिल गई, हो सकता है कोई और भी अच्छा इंसान मिल जाए। पूर्वी बोलती, अदिति प्लीज़ इन सबसे दूर रहो, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मैं इतनी अच्छी निकली। अदिति बोलती, ओ हेलो, आपकी किस्मत अच्छी थी, आपने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था, मैंने नहीं, वैसे आपकी किस्मत की ना दाद देनी पड़ेगी, कितनी अच्छी लड़की मिली है आपको। पूरी बोती, ज़्यादा मत बोला करो, चुपचाप बैठो वहाँ पे। अदिति बोती, क्या है, मैं थक गई, मुझे नहीं बैठना। पूरी बोती, तो क्या करना है महारानी को। पूरी बोती, हाय महारानी कितना क्यूट लगता है ना आपके मुँह से। पूरी बोती, कम ऑन, हाँ ज़्यादा मत बना करो, बताओ क्या करना है। अदिति बोती, मूवी देखे। पूरी बोती, मन तो नहीं है। अदिति बोलती है, मेरा तो है, प्लीज़ देखते हैं ना। पूरी बोती, अच्छा ठीक है। ये लोग रूम में बैठे टीवी चलाते हैं, यहाँ पूर्वी एक मूवी सेलेक्ट करती है, तभी मेड आती है और अदिति बोलती है, हमें परेशान मत करना, चुपचाप से काम करके जाना। वो कहती है ठीक है, मेड जाने लगती है, तभी अदिति उसे कहती है, एक काम करो, ये पैसे रखो पास वाली शॉप से ना, मुझे एक काम करो, चॉकलेट्स ला के दे दो और कुछ स्नैक्स। जिस पर कहती, आपको पता है ना बाहर का मना है आपको। अदिति बोलती, मेरे लिए थोड़ी है, मेरी फ्रेंड आया ना उसके लिए, तो मेड को भेज देती है। तभी पूर्वी अदिति को घूरते हुए, मैंने कब बोला मुझे ये सब खाना है। अदिति बोलती, आपको कहने की क्या जरूरत है, मुझे पता है ना आपको मूवी देखते टाइम क्रेविंग होगी, राइट। पूर्वी बोलती, देखो अपनी क्रेविंग्स को ना अपने तक ही रखो, मेरा नाम मत दो इन सबको। अदिति बोलती, तो क्या है ना आपके नाम पे मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी। पूर्वी बोलती, बहुत चलाको, मूवी देखो अब चुपचाप। तभी थोड़ी देर में मेड का सामान लेके आ जाती है और यहाँ पूर्वी और अदिति दोनों मज़े से खाने लगते हैं। पूर्वी कम खा रही थी पर अदिति तो बच्चों की तरह खाए जा रही थी। यहाँ पूर्वी कहती है, मुझे भी चॉकलेट दो, तो इतने में अदिति चट कर गई थी। पूर्वी बोलती, सारी चॉकलेट खा के। अदिति बोलती, आपको दी थी आपने साइड पे रख दी, मुझे लगा आपने खाने नहीं इसलिए मैं खा गई। पूर्वी बोलती, अरे पर वो मेरा हिस्सा था ना। अदिति बोलती, अच्छा मैं और मंगवा दूंगी। पूर्वी बोलती, रहने दो। अदिति बोलती, आपको तो खानी नहीं थी, आपको इन सब चीज़ों की क्रेविंग नहीं होती फिर। पूर्वी बोलती, पर आपने वो मुझे दी थी फिर खुद ही खा गई। अदिति बोलती, सोनी ना मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, मुझे खाना अलाउ नहीं है। पूर्वी बोलती, क्यों आपको इतना पसंद है तो खाना अलाउ क्यों नहीं है। अदिति बोलती, वो। पूर्वी बोलती, क्या एलर्जी वलर्जी तो नहीं है। अदिति हंसते कहती, यार चॉकलेट से किसे एलर्जी होगी, वैसे ही मेरा बाहर का सारा खाना पीना बंद है तो इसीलिए। पूर्वी बोलती, हाँ तो सही है ना, डॉक्टर हो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना सीखो, क्या सिर्फ दूसरों को भाषण जाना आता है। अदिति बोलती, मैं अभी पूरी तरह डॉक्टर बनी नहीं हूँ। पूर्वी बोलती, तो कोई बात नहीं बन जाओगे एक दिन। अदिति बोलती, अच्छा ठीक है, आपका भाषण कम हो गया, वो खत्म हो गया, तो हम मूवी देखें। पूर्वी बोलती, तो ये लोग मूवी देखने लगते हैं। तभी मूवी में बहुत रोमांटिक सीन आता है जिसमें कपल ना एक दूसरे को लिप पे किस कर रहे थे। जैसे ये सीन आता है अदिति की नज़रें तुरंत पूर्वी के लिप पे जाने लगते हैं। यहाँ पूर्वी थोड़ा ब्लश करते हुए नज़रें चुराती है और फिर यहाँ पूर्वी की नज़र भी अदिति पे जाती है। अदिति पूर्वी को जिसे देख रही थी। पूर्वी बोलती, क्या हुआ मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। अदिति बोलती, मुझे ट्राई करना है। पूर्वी बोलती, क्या ट्राई करना है तुम्हें। तो अदिति वो टीवी की तरफ फिंगर करती है। पूर्वी भी अदिति की फिंगर को देखती है कि वो तो टीवी की तरफ कर रही है। पूर्वी बोलती, क्या मैं कुछ समझी नहीं। अदिति बोलती, जो वो कर रहे हैं मुझे भी वो करना है, कैसा फील होता होगा। पूर्वी बोलती, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, सच से बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तुमने मुझसे छुपाया ये बात। अदिति बोलती, हाँ है। तो पूर्वी बोलती, मैं जाऊँ तुम्हारे भाई को बताने। अदिति बोलती, ए मजाक कर रही थी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। पूर्वी बोलती, लाओ अपना मोबाइल दो। अदिति बोलती, मैं क्यों दूँ। पूर्वी बोलती, दो अपना मोबाइल। तो अदिति बोलती, पता नहीं यहीं कहीं पड़ा होगा, मैंने तो कब से अपना मोबाइल देखा भी नहीं। पूर्वी उठती है और रोज रो में देखती है तो उसे अदिति का मोबाइल दिख जाता है। पूर्वी कहती, पासवर्ड। अदिति बोलती, वो। पूर्वी बोलती, क्या। अदिति बोलती, लाओ ना मैं खोल के देती हूँ। पूर्वी बोलती, क्यों मैं नहीं खोल सकती क्या। ओ हेलो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, पासवर्ड डालूंगी, बताओ क्या पासवर्ड है। अदिति बोलती, वो एम। पूरी बोलती, आगे। अदिति बोलती, आर। तो कहते, आगे बोलो, चुप क्यों गई हो अदिति। अदिति बोलती, पी पी।
पूर्वी फ़ौरन पी डालती है तो खुल जाता है। पूर्वी बोलती है ये खुल गया, और पूर्वी ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती कि ये बना क्या। अदिति एकदम हैरान होकर पूर्वी को देखती है, क्या सच में नहीं समझ नहीं आया मेरा क्या पासवर्ड था। पूर्वी आराम से अदिति का पूरा मोबाइल छान रही थी। अदिति बोलती क्या देख रहे हो मेरे मोबाइल में। पूर्वी बोलती तुम तो किसी से चैट नहीं करती, तुम्हारी दोस्त से भी चैटिंग बहुत कम है। अदिति बोलती हाँ वो टाइम नहीं मिलता ना किसी से चैटिंग करने का। पूर्वी बोलती पर मुझसे चैट करने के लिए तो तुम टाइम निकाल लेती थी। अदिति बोलती हाँ प्रायोरिटीज़ का फ़र्क होता है ना, मैंने आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो बना के रखा था। जिस पर पूर्वी बोलती कितनी क्यूट हो तुम। पूर्वी अदिति की चीक्स पुल करती है और फिर से उसके मोबाइल चेक करने लगती है। अदिति बोलती बस ना मेरे मोबाइल में आपको कुछ नहीं मिलेगा। पूर्वी बोलती लो रखो, अब मूवी ना बैक करनी पड़ेगी, सारा सीन तो आपने मिस करवा दिया। अब अदिति हंसती है, ठीक है। पूर्वी थोड़ी सी मूवी पीछे करती है और फिर से मूवी देखने लगती है। यहाँ अदिति पूर्वी को देखते हुए मुस्कुराती थी, क्या सच में इन्हें मेरा पासवर्ड समझ में नहीं आया या फिर सब जान के भी इन्होंने इग्नोर किया। तभी पूर्वी बोलती क्या हुआ तुम मूवी नहीं देख रही। अदिति बोलती मैं थोड़ी थक गई हूँ। पूर्वी बोलती ठीक है आप आराम करो। पूर्वी यूँ बेड पे पिल्लो विल्लो रखती है कि टेक लगा लो, पर यहाँ अदिति तो पूर्वी के बाजू को यूँ पकड़ के उसके शोल्डर पे ही अपना सर रख लेते हैं। पूर्वी बोलती क्या। अदिति बोलती मुझे यहाँ आराम करना, आप देखो मूवी। अदिति आंखें बंद कर चुकी थी, पूरी मूवी देखने लगती है। थोड़ा फनी सीन आता है, पूर्वी हंसने लगती है। तभी अदिति आंखें खोलती है, पूर्वी को हंसते हुए देखती है। पूर्वी हंसते हुए बहुत क्यूट थे। तभी यहाँ अदिति बोलती है अब हंसते हुए बहुत प्यारे लगती हो। पूर्वी बोलती अरे तुम जग रहे हो, मुझे लगा तुम सो गए। पूर्वी यूँ अदिति को देखती है। अदिति बोलती बस स्कूल में जाता तो आंखें बंद करके बैठी थी। पूर्वी बोलती तो मैं वॉल्यूम खोल दूँ टीवी का। अदिति बोलती खोल दो। पूर्वी वॉल्यूम तेज़ करती है। अब यहाँ अदिति और पूर्वी दोनों ही मूवी देखने लगते हैं। पूर्वी बोलती अदिति देखो ये सीन कितना अच्छा है ना, पर अदिति कुछ जवाब नहीं देती। पूर्वी देखती है अदिति सो गई है। पूर्वी मुस्कुराते हुए थी अच्छा अभी किसी को नींद नहीं आ रही थी। पूर्वी फिर अदिति को सीधा करके लिटाती है, पिल्लो की रखती है सर के नीचे और ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कहती है अदिति एक बात बोलूँ, तुम बहुत प्यारी हो। अरे पूर्वी इतने बोल के फिर से मूवी देखने लगती है। यहाँ अदिति स्कूल से सो रही थी। अरे तभी एकदम अदिति चिल्लाते हुए उठती है। पूर्वी बोलती क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। अदिति पूर्वी को देख के उसे अपने सीने से लगा लेती है। पूर्वी बोलती क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना। अदिति बोलते हाँ मैं ठीक हूँ। पूर्वी अदिति के बालों को सहलाते हुए उसके फेस को अपने हाथों में होल्ड करते हुए क्या हुआ पूरा सपना देखा। अदिति हाँ मैं सर हिलाती है। पूर्वी अदिति को अपने सीने से लगाते हुए सोखे वो सिर्फ एक सपना था, सब ठीक है। अदिति कहती तभी यहाँ पूर्वी की मोम की कॉल आ जाती है। पूर्वी कॉल पिक करते हुए हाँ माँ, और जैसे अदिति देखती है माँ की कॉल है वो परेशान हो जाती है क्योंकि उससे समझ आ जाता है माँ उसे फिर से घर आने को बोलेगी और यही होता है। पूर्वी बोलती हाँ माँ मैं तो आज ही आना चाहती थी पर अदिति बहुत जिद्दी है, मैं कल पक्का आ जाऊँगी। उसकी माँ बोलती बेटा वो लोग तुम्हें ढंग से जानते भी नहीं हैं ना तुम उन लोगों को जानते हो। हम मानती हो दीदी बहुत अच्छी है पर उसकी फैमिली पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी और कब से तुम वहाँ हो क्या सोचेंगे वो। तुम घर आ जाओ, अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी के घर रहना। बात तो पूर्वी की मॉम की भी बिल्कुल ठीक ही थी और पूर्वी को समझ में आ जाती है। पूर्वी बोलती है ठीक है मैम मैं कल पक्का आ जाऊँगी। पूर्वी कॉल कट कर देती है। अदिति बोलती है क्या हुआ। पूर्वी बोलती नहीं कुछ 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 भी नहीं। पूर्वी आके बैठ जाती है। अदिति पूर्वी के फेस को ऊपर करती है, क्या हुआ अपसेट क्यों। पूर्वी बोलती अरे वो माँ कुछ कह रही थी बस उन्हीं की बात को सोच रही थी। अदिति बोलती क्या कह रही थी माँ। पूर्वी बोलती माँ सही कह रही है मुझे यहाँ ज़्यादा टाइम रुकना नहीं चाहिए, आपकी फैमिली मुझे ढंग से जानती भी नहीं है, पता नहीं वो क्या सोचते होंगे मैं कैसी लड़की हूँ मेरा कैसा परिवार है ऐसे आके यहाँ पे रह रही हूँ हम क्या आप लोग को ढंग से जानती भी नहीं हूँ। अदिति बोलती आप मुझे जानती हो ना और मेरे लिए रह रही हो सबको पता और उल्टा मम्मा पापा बहुत खुश है कि मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है जो मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ रुक रही है। पूर्वी बोलती पर फिर भी सब पता नहीं क्या ही सोचते होंगे। अदिति बोलती वो कुछ नहीं सोच रहे आप ही ज़्यादा सोच रहे हो, रिलैक्स ना ऐसा कुछ नहीं है शांत हो जाओ। पूर्वी का मूड थोड़ा चिल करने के लिए अदिति अपनी शैतानियाँ करने लगती है जिससे थोड़ी देर में पूर्वी का मूड भी ठीक हो जाता है और ये दोनों हंस के बातें भी करने लगते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।
और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को ये लव स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नई हूँ या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गुड दिन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।